Assalamualaikum dear students, welcome back to lecture number 2 of hydrogen. और आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. और सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं हाइड्राइड्स के बारे में. हाइड्राइड्स किन को कहते हैं हम हाइड्राइड्स. हाइड्राइड्स के लिए आप याद रखेंगे हमेशा कि हाइड्राइड्स हम बोलते हैं बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्राइड्स आर द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन. बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट्स. हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट्स. बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट्स. ठीक, यानी जब हाइड्रोजन किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है उस कंपाउंड को हम हाइड्राइड का नाम देते हैं. ठीक है ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें CH4 की, CH4, ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन बाइनरी कंपाउंड बना रहा है. दो एलिमेंट्स है यहां पे, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है कार्बन. इस कंपाउंड को हम हाइड्राइड का नाम दे सकते हैं. ठीक है ना. सिमिलरली फॉर एग्जांपल हमारे पास है कैल्शियम हाइड्राइड CaH2. हाइड्रोजन इज कंबाइंड विद सम अदर एलिमेंट. ठीक है ना, दिस इज ए हाइड्राइड. ठीक, इसी तरीके से वी हैव वॉटर. फॉर एग्जाम्पल वॉटर को हम बोल सकते हैं इट्स ए हाइड्राइड क्योंकि इसमें हाइड्रोजन इज लिंक्ड टू अनदर एलिमेंट ऑक्सीजन. ठीक, सिमिलरली वी हैव NH3 अमोनिया, दिस इज ए हाइड्राइड. ठीक, सिमिलरली वी कैन हैव B2H6 विच इज बेसिकली ए डाइमर ऑफ BH3. BH3 का डाइमर है, इट इज ए हाइड्राइड. हाइड्रोजन लिंक टू सम अदर एलिमेंट. ठीक है ना, इनको हम नाम देते हैं हाइड्राइड. ठीक, अगर हम इन हाइड्राइड्स के जनरल फॉर्मूला की बात करें, इनका जनरल फॉर्मूला जो होगा, जनरल फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड्स विल बी, इट विल बी लाइक दिस. इट विल बी EHX टाइम्स. ठीक है ना, यानी E कोई भी एलिमेंट है उसके साथ हाइड्रोजन होगा X टाइम. जैसे यहां पे E है कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं 4, यहां पे E है कैल्शियम, हाइड्रोजन कितने हैं 2, या ये डाइमराइज्ड फॉर्म में भी हो सकते हैं. ठीक है ना, कंबाइनड फॉर्म में भी हो सकते हैं. और वी कैन से इट विल बी लाइक दिस EXHY. एलिमेंट X टाइम्स होगा, हाइड्रोजन Y टाइम्स होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल B2H6 डाइबोरेन जिसका हम नाम देते हैं, वी कॉल दिस मॉलिक्यूल एज डाइबोरेन, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन. आगे इसके बारे में हमें डिटेल डिस्कशन करना है पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर. ठीक है ना, तो यहां पे एलिमेंट 2 है, हाइड्रोजन 6 है, EXHY. सो दिस इज द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्राइड्स. ठीक है ना, क्लियर. नाउ हाइड्राइड्स के टाइप्स के बारे में हमें आगे बात करनी है. टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स. हाइड्राइड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, दे आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स. क्या क्या? नंबर 1, पहला टाइप ऑफ हाइड्राइड जो है दैट इज आयोनिक हाइड्राइड्स और सेलाइन हाइड्राइड्स. ठीक है. नंबर 2, दूसरा कैटेगरी है हाइड्राइड्स का, दैट इज कॉल्ड एज कोवेलेंट हाइड्राइड्स और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स. ठीक, सिमिलरली तीसरी कैटेगरी हमारे पास है हाइड्राइड्स की, दे आर कॉल्ड एज मेटालिक हाइड्राइड्स और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स. मेटालिक हाइड्राइड्स या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स. ठीक, सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स, आयोनिक, कोवेलेंट, मेटालिक. ठीक है ना, नामों से ही पता चलता है कि इनकी क्या खासियत होनी चाहिए. ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम बात करते हैं इन हाइड्राइड्स के बारे में. ठीक है ना, सबसे पहले हम बात करेंगे आयोनिक हाइड्राइड्स और सेलाइन हाइड्राइड्स. ठीक है, नाम से ही पता चलता है आयोनिक हाइड्राइड्स किन को कहेंगे हम, वो हाइड्राइड्स विच आर आयोनिक इन नेचर. ठीक है ना, सो दीज हाइड्राइड्स आर आयोनिक इन नेचर. हाइड्राइड्स विच आर आयोनिक इन नेचर, यानी जिसके अंदर एलिमेंट और हाइड्रोजन के दरमियान कौन सा बॉन्ड होगा, आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा. ठीक है ना, इनका जनरल फॉर्मूला जो है, वी कैन राइट इट लाइक दिस MHX, वेयर M इज ए मेटल. यू नो, आपको ऑलरेडी पता है आयोनिक कंपाउंड कौन बनाते हैं, मेटल्स बनाते हैं. ठीक है ना, और मेटल किसके साथ आयोनिक कंपाउंड बनाता है, नॉन मेटल के साथ. हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल. मेटल्स की हमेशा टेंडेंसी रहती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की.
ठीक है ना। तो मेटल प्रेजेंट होगा कैटायन की हालत में, और हाइड्रोजन के बारे में हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया है कि हाइड्रोजन कैन टेक अप एन इलेक्ट्रॉन, इट कैन फॉर्म हाइड्राइड आयन एच माइनस आयन, और इट कैन ऑल्सो लूज इलेक्ट्रॉन एंड इट कैन फॉर्म एच पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो आयोनिक हाइड्राइड सिंपली किनको कहेंगे? जिन हाइड्राइड्स के अंदर मेटल और हाइड्रोजन के दरमियान एक आयोनिक बॉन्ड होगा, ठीक है ना। दैट मीन्स ये हाइड्राइड्स आयोनिक इन नेचर होते हैं, और अगर हम इन हाइड्राइड्स को ब्रेक करें दे विल डिसोसिएट एंड दे विल प्रोड्यूस एम पॉजिटिव मेटल कैटाइन प्लस एच माइनस आयन। दिस एच माइनस आयन इज व्हाट वी कॉल एज हाइड्राइड आयन, ठीक है ना। यही हाइड्राइड आयन होता है। तो आयोनिक हाइड्राइड्स कौन बनाएंगे? मेटल्स बनाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, दिस टाइप ऑफ हाइड्राइड्स इज फॉर्म्ड बाय, आयोनिक हाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड बाय एस ब्लॉक एलिमेंट्स। पढ़ा है ऑलरेडी एस ब्लॉक एलिमेंट्स, वहां पे भी हाइड्राइड्स के बारे में थोड़ी सी बात की थी हमने। एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो आयोनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं। सिंपल सी बात है, क्यों बनाएंगे भाई? इसलिए बनाएंगे क्योंकि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं दे आर हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव, दे विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड विल फॉर्म कैटायन, और वो इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा? हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा? हाइड्राइड आयन। एच नेगेटिव और मेटल पॉजिटिव के दरमियान क्या होगा? आयोनिक इंटरेक्शन, आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है ना। सो दिस टाइप ऑफ हाइड्राइड इज फॉर्म्ड बाय एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, क्योंकि यही आयोनिक कंपाउंड्स बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, और आयोनिक हाइड्राइड्स भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स ही बनाते हैं, ठीक है ना। बट इसमें हमें याद ऑलरेडी होगा आप लोगों के जहन में भी आ रही होगी बात कि हमने बताया था लिथियम, शाबाश, और कौन था? बेरिलियम, एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक है ना। लिथियम बेरिलियम, साथ में हमने बताया था मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम और लिथियम की क्या होती है? डायगोनल रिलेशनशिप होती है। ये तीन मेटल्स एस ब्लॉक में ऐसे हैं जिनके हाइड्राइड्स आयोनिक इन नेचर नहीं होते हैं, ठीक है ना। दीज एलिमेंट्स फॉर्म द एस ब्लॉक फॉर्म क्या बनाएंगे? शाबाश, दे फॉर्म कोवेलेंट, ये कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं, फॉर्म कोवेलेंट हाइड्राइड्स, ठीक है ना। इसके बारे में हमने बात भी की है, बेरिलियम हाइड्राइड BeH2, इसका स्ट्रक्चर भी हमने डिस्कस किया हुआ है। वहां पे हमने एक पेक्यूलियर बॉन्ड देखा था इसमें, दैट पेक्यूलियर बॉन्ड वॉज कॉल्ड एज ए बनाना बॉन्ड, ए 3 center 2 electron बॉन्ड, इफ यू रिमेंबर, ठीक है ना। सो दे फॉर्म कोवेलेंट हाइड्राइड्स, और साथ में इनकी क्या खासियत होती है? इनके हाइड्राइड्स जो होते हैं दे आर पॉलीमेरिक इन नेचर, पॉलीमेरिक इन नेचर। बेरिलियम और मैग्नीशियम के हाइड्राइड्स क्या होते हैं? पॉलीमेरिक इन नेचर, सिखाया है हमने, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। बेरिलियम हाइड्राइड का एक लंबा सा स्ट्रक्चर होता है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है। फिर हमने वहां पे ये भी बताया था कि इसका स्ट्रक्चर डिपेंड करता है किस फेज में हम लेते हैं। सॉलिड फॉर्म में ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है, गैसियस फेज में डाइमेरिक भी हो सकता है, और मोनोमेरिक यूनिट के फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है। आई होप कि ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट चीजें हमने यहां पे क्या डिस्कस की? आयोनिक हाइड्राइड्स कौन होंगे? जिनके अंदर आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, विच आर आयोनिक इन नेचर। जब हम इनको ब्रेक करेंगे तो हमें हाइड्राइड आयन मिलेगा, और ये इस तरह के हाइड्राइड्स कौन बनाएंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट्स बनाएंगे। और एस ब्लॉक एलिमेंट्स में भी हमने क्या याद रखा? लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है इनके हाइड्राइड्स एक्सेप्शनली क्या होते हैं? दे आर कोवेलेंट इन नेचर। बेरिलियम और मैग्नीशियम के हाइड्राइड्स दे आर पॉलीमेरिक इन नेचर। वेरी नाइस, ठीक। लेट्स मूव अहेड एंड विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ दीज आयोनिक हाइड्राइड्स, ठीक है ना। नंबर वन, पहली चीज जो ये है कि दे आर क्रिस्टलीन इन नेचर। ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? क्रिस्टलीन इन नेचर, यानी इनका एक क्रिस्टल लैटिस बनता है। ऑलरेडी आयोनिक कंपाउंड्स की ही एक प्रॉपर्टी है कि वो एग्जिस्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ आयोनिक क्रिस्टल लैटिस। सिंस आयोनिक हाइड्राइड्स आर आल्सो आयोनिक कंपाउंड्स, इनका भी एक क्रिस्टल लैटिस बनता है, दे आर क्रिस्टलीन इन नेचर, ठीक है ना। नंबर सेकंड, दे आर नॉन वोलेटाइल एंड नॉन कंडक्टिंग इन सॉलिड स्टेट। अगेन ए प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स सॉलिड फॉर्म में क्या होते हैं? सॉलिड फॉर्म में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको ब्रेक करके आयोन्स का एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह जाना मुमकिन नहीं होता है। सॉलिड स्टेट में वो कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। हां, अगर हम उनको मेल्ट कर दें, हमने इनको हीट दे दी, उस हीट से इनकी क्रिस्टल लैटिस ब्रेक हो गई, आयोन्स सेपरेट हो गए, मेटल सॉरी हाइड्राइड आपका लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। लिक्विड फॉर्म में इनके मेटल और एनायंस के दरमियान, कैटायंस और एनायंस के दरमियान वीक इंटरेक्शंस होंगी। उसके बाद अगर हम उस मोल्टन स्टेट के अंदर क्या डालेंगे? इलेक्ट्रोड्स डालेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एट दैट टाइम नेगेटिव इलेक्ट्रोड विल अट्रैक्ट कैटायंस एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड विल अट्रैक्ट एनायंस,
means there will be the conduction of electricity. ठीक है. So the next point is, however, there melts, यानी कि molten state में they conduct electricity. ठीक है ना. और इसीलिए हम इनको क्या नाम दे सकते हैं, वी कॉल देम एज इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलाइट्स किनको कहते हैं, जो सॉलिड स्टेट में तो कंडक्शन नहीं करते हैं लेकिन मोल्टन स्टेट में या एक्वस फॉर्म में कंडक्शन कर सकते हैं. ठीक है. हाउएवर देयर मेल्ट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस लिबरेट हाइड्रोजन गैस एट एनोड. ठीक है ना. तो इलेक्ट्रोलिसिस अगर हम इनकी करेंगे, ये क्या करेंगे, एनोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे. थोड़ी सी बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल ले ली, इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर मैंने एक पॉजिटिव प्लेट डाल दिया और एक नेगेटिव प्लेट डाल दिया जिसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर लिया है. ठीक है ना. इसके अंदर हमें क्या डालना है, मेटल हाइड्राइड डालना है. और चूंकि हमने इसको मोल्टन फॉर्म में लिया है, मेटल हाइड्राइड किस हालत में होगा, एम पॉजिटिव अलग होंगे, एच माइनस अलग होगा. ठीक है ना. नाउ ये एम पॉजिटिव किसकी तरफ मूव करेगा, नेगेटिव प्लेट की तरफ. नेगेटिव प्लेट की तरफ कैटाइन्स मूव करेंगे, इसीलिए इसको क्या नाम देते हैं, वी कॉल दिस एज कैथोड. जो कैटाइन्स को अट्रैक्ट करें, दे आर कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड एज कैथोड. H माइनस एनआईन किसकी तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, इसलिए इसको क्या नाम देते हैं, एनोड. एनोड किसको कहेंगे, जो एनाइंस को अट्रैक्ट करे. अब यहां पे जाने के बाद क्या होगा, एट एनोड, शाबाश, एट एनोड. ऑलरेडी हमने बताया हुआ है इलेक्ट्रोलिसिस में क्या प्रोसेसेस होती हैं, तो एनोड की हम पर्टिकुलरली बात करेंगे. एनोड पे क्या होगा, एच माइनस जो है, मैंने बताया था आपको, जब भी एक कैटाइन या एनाइन अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है, सबसे पहले वो अपनी चार्ज को शेड करते हैं. ठीक है ना. H माइनस विल लूज इट्स चार्ज, कैसे, बाय कन्वर्टिंग इनटू हाइड्रोजन एटम. ठीक है. ये हाइड्रोजन एटम चूंकि अनस्टेबल है, व्हाट वी विल बी डूइंग इज, हम दो हाइड्राइड आयंस लेंगे, वो दो हाइड्रोजन एटम्स बनाएंगे और दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेंगे. अब ये दो हाइड्रोजन जो है, ये आपस में कंबाइन होकर क्या बना देंगे, हाइड्रोजन गैस बना देंगे. तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हाइड्राइड्स, आयोनिक हाइड्राइड्स की जब इलेक्ट्रोलिसिस हम करते हैं तो एनोड पे हमें क्या मिलता है, एनोड पे हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिल जाता है. ठीक है ना. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक, चलिए हम आगे और चलते हैं, कुछ और चीजों के बारे में बात करते हैं. ये जो हाइड्राइड्स होते हैं, ये हाइड्राइड्स वाटर के साथ जब हम इनकी रिएक्शन करवाते हैं, दे रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर. ठीक, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में भी पढ़ा है हमने, हाइड्राइड्स को जब हम वाटर के अंदर डालते हैं, दे रिएक्ट वायलेंटली एंड दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. वहां पे भी वो क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं. ठीक है. इफ यू रिमेंबर, अगर आप लोगों को याद होगा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने बताया था कैल्शियम हाइड्राइड. कैल्शियम हाइड्राइड की अगर हम रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं, कैल्शियम हाइड्राइड की अगर हम रिएक्शन किसके साथ करते हैं, वाटर के साथ करते हैं, व्हाट इट विल डू, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, प्लस साथ में क्या निकलता है, साथ में निकलता है हाइड्रोजन गैस. साथ में निकलता है हाइड्रोजन गैस. बात समझ में आ रही है. हम बैलेंस कर सकते हैं चीजों को लाइक दिस. तो ऑक्सीजन दो बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन आ गए चार, दो और चार और दो छह, तो यहां पे भी हो गए दो और चार हो गए छह. ठीक है ना. हाइड्रोजन गैस इज रिलीज. और आपको याद होगा हमने इसको एक नाम भी दिया था वहां पे, वी कॉल्ड इट एज हाइड्रोलिथ. इफ यू रिमेंबर, हाइड्रोलिथ, कैल्शियम हाइड्राइड को हमने हाइड्रोलिथ का नाम दिया था. क्यों, क्योंकि इससे हम हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस कर सकते हैं. इट जेनरेट्स हाइड्रोजन व्हेन इट इज ट्रीटेड विद वाटर. ठीक, इसी तरीके से सोडियम हाइड्राइड को अगर वाटर में डालेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा. क्लियर है बात. ठीक है ना. इनफैक्ट अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्राइड्स की रिएक्शन स्लो होती है और अल्कली मेटल हाइड्राइड्स की रिएक्शन बहुत ही वायलेंट होती है. क्लियर. ठीक है ना. तो ये चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस की है. नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे याद रखना है, वो ये कि लिथियम हाइड्राइड की अगर हम बात करें, लिथियम हाइड्राइड अभी हमने बताया, लिथियम हाइड्राइड जो होता है उसमें आयोनिक कैरेक्टर कम होता है. ठीक है ना. आयोनिक कैरेक्टर कम होता है तो वो लेस रिएक्टिव होता है, दैट इज लेस रिएक्टिव इन नेचर एट मॉडरेट टेम्परेचर्स. मॉडरेट टेम्परेचर्स पे ये उतनी तेजी से रिएक्शन नहीं करता है. ठीक है ना. इसको अब हम कहां पे यूज करते हैं, एंड इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ अदर यूजफुल हाइड्राइड्स.
इससे हम बाकी यूजफुल हाइड्राइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं. एक एग्जांपल हमने यहां पे शो किया है, इफ वी ट्रीट लिथियम हाइड्राइड विद एल्युमिनियम क्लोराइड Al2Cl6, ठीक है ना. तो ये इसके साथ जब कंबाइन होगा, व्हाट इट विल डू, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लिथियम क्लोराइड. इट विल फॉर्म लिथियम क्लोराइड. क्या बनाएगा? लिथियम क्लोराइड. और साथ में एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाता है जिसको हम नाम देते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड. लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड. सो ए वेरी यूजफुल इंग्रेडिएंट, वेरी यूजफुल कंपाउंड और वेरी यूजफुल रिएजेंट वी कैन से. ये बहुत ही यूजफुल रिएजेंट होता है. इसको हम लिथियम हाइड्राइड से ही प्रिपेयर कर सकते हैं बाय कैरिंग आउट दिस टाइप ऑफ अ रिएक्शन. क्लियर? सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग आयोनिक हाइड्राइड्स और सेलाइन हाइड्राइड्स. फाइन, ठीक है. चलिए जी, बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइड्राइड्स के बारे में, एंड दे आर कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स. ठीक है ना. नाउ नाम से ही पता चलता है कोवेलेंट हाइड्राइड्स किन को कहेंगे. कोवेलेंट हाइड्राइड्स हम बोलेंगे उन हाइड्राइड्स को जिनमें एलिमेंट और हाइड्रोजन के दरमियान क्या चीज प्रेजेंट होगी, कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा. ठीक है ना. सो दीज आर दोज हाइड्राइड्स विच कंटेन जिनके अंदर क्या होगा, शाबाश, विच कंटेन ए कोवेलेंट बॉन्ड which are joined together by covalent bonds, जिनके अंदर क्या होते हैं, covalent bonds होते हैं. ठीक है. तो covalent hydrides कौन बनाते हैं, they are formed by P block elements. शाबाश. कौन बनाएंगे, P block elements बनाते हैं, they are called as covalent hydrides और molecular hydrides. क्यों कहेंगे molecular hydrides, क्योंकि वो discrete molecules के form में होते हैं. ठीक है ना. जैसे बात करें CH4 की, तो CH4 का एक unit बनेगा, दूसरा CH4 का unit बनेगा. So it will exist as units of डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स. एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, ठीक है ना. तो यहां पे मॉलिक्यूल्स बनते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग की वजह से. वी कॉल देम एज कोवेलेंट हाइड्राइड्स और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स. ठीक है ना. इसी तरीके से वी कैन हैव वाटर, इट्स अ पी ब्लॉक हाइड्राइड, पी ब्लॉक एलिमेंट. ऑक्सीजन, कार्बन भी पी ब्लॉक के साथ है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या बनाते हैं, कोवेलेंट हाइड्राइड्स. यू नो वाटर इज ए कोवेलेंट कंपाउंड. ठीक. अमोनिया की बात करें, अमोनिया इज ए कोवेलेंट कंपाउंड. इसी तरीके से B2H6, it's a covalent compound, it's a hydride of boron. Boron is a P-block element, ठीक है ना. तो P-block elements बनाते हैं किस तरह के hydrides, covalent और molecular hydrides. Clear, ठीक है ना. अब इनके भी कुछ types होते हैं, ध्यान दीजिएगा, इनके भी कुछ types है. They have three types. ये जो hydrides है इनके कितने types है, तीन types. Number one, एक को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स, ठीक है ना. नंबर सेकंड, दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स, ठीक है. एंड नंबर थर्ड, दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स. सो थ्री टाइप्स ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड्स, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज एंड इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स, ठीक है ना. किसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन की गई है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लिविस स्ट्रक्चर, ठीक है ना. इनके लिविस स्ट्रक्चर में सेंट्रल एटम के पास अगर ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन्स है उन हाइड्राइड्स को हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स कहेंगे. अगर बराबर ऑक्टेट है, बराबर बॉन्ड्स बन रहे हैं, जितने इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उतने बॉन्ड्स बना रहे हैं, उनको हम इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स कहेंगे. और इलेक्ट्रॉन रिच किन को कहेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स हम उनको कहेंगे जिनके अंदर सेंट्रल एटम के ऊपर बॉन्ड्स के अलावा लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना. तो एक एक करके बात करते हैं इनके बारे में हम. नंबर वन, सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स. शाबाश. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स किन को कहेंगे, अब हम वो हाइड्राइड्स इन विच, जिनके अंदर क्या होगा, इन विच द सेंट्रल एटम कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स, लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माने ऑक्टेट, ऑक्टेट से कम, ऑक्टेट, ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन्स, लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन्स इन दियर लेविस स्ट्रक्चर, इन दियर लेविस स्ट्रक्चर, जिनके लेविस स्ट्रक्चर के अंदर सेंट्रल एटम के ऊपर ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। ये कौन बनाते हैं? शाबाश, फॉर्मड बाय पी ब्लॉक एलिमेंट्स ही बनाएंगे, लेकिन कौन से बनाएंगे? फॉर्मड बाय ग्रुप 13 एलिमेंट्स, फॉर्मड बाय ग्रुप 13 एलिमेंट्स यानी कौन सी फैमिली? बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली जो है वो इस तरह के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स बनाते हैं। जैसे अगर हम BH3 की बात करें, BH3 की बात करें, बोरॉन हाइड्राइड BH3, तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा BH3। नाउ बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, अगर आप ऑक्टेट काउंट करने की कोशिश करें यू विल फाइंड कि इसके इर्द गिर्द कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन्स है। इट इज शॉर्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स देन द रिक्वायर्ड ऑक्टेट, दे विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स। क्लियर है बात, ठीक है ना। नाउ अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये क्या करेगा? अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को हमेशा ओवरकम करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब ऐसे कंपाउंड्स जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, दे विल बी ऑलवेज इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की तलाश में होंगे, ठीक। तो अगर कोई स्पीशीज ए यहां से आया जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं? इसके साथ डोनेशन कर सकते हैं, इसके साथ डोनेशन कर सकते हैं, यानी दे आर ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द इनकमिंग स्पीशी, फ्रॉम द जो इसकी तरफ आएगा इलेक्ट्रॉन पेयर लेके, वो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को हमेशा लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आपने पढ़ा होगा एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, लीविस एसिड और लीविस बेस। लीविस एसिड किसको कहते हैं? उस स्पीशीज को विच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। लीविस बेस उसको कहते हैं विच डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स की बात करें, ये क्या एक्ट करेंगे? दे विल एक्ट एज लीविस एसिड्स, दे विल एक्ट एज लेविस एसिड्स। ऐसे हाइड्राइड्स का काम क्या होगा? दे विल एक्ट एज लेविस एसिड्स, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज BH3 के बारे में आप याद रखेंगे, इट एग्जिस्ट एज ए डाइमर। ये मोनोमर के फॉर्म में नहीं होते हैं, बल्कि ये डाइमर के फॉर्म में होते हैं। दो BH3 मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? दे विल फॉर्म B2H6, जिसको अभी मैंने बताया था इसका नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड एज डाइबोरेन। इसकी पूरी केमिस्ट्री हमें आगे पढ़नी है इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर है बात, ठीक है। सो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स होते हैं, उनकी मेन खासियत क्या है? उनमें इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं और वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो स्पीशीज लेविस एसिड कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स आर लेविस एसिड्स, ठीक है। नेक्स्ट वन, नंबर सेकंड, दूसरा है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स। अब आप खुद ही बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज किनको कहेंगे, जिनके अंदर क्या होंगे बराबर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना, विच कंटेन कंप्लीट ऑक्टेट अराउंड द सेंट्रल एटम, जिनके अंदर सेंट्रल एटम के अराउंड कंप्लीट ऑक्टेट प्रेजेंट होगा, उनको हम इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स कहेंगे, ठीक है ना। कौन बनाएंगे? फॉर्मड बाय ग्रुप 14 एलिमेंट्स, फॉर्मड बाय ग्रुप 14 एलिमेंट्स यानी कौन सी फैमिली? कार्बन फैमिली जो भी हाइड्राइड्स बनाएंगे, दे आर इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। मिसाल के तौर पर CH4 कार्बन के नीचे है, सिलिकॉन SiH4, ठीक है ना, CH4 SiH4 कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, ठीक है ना। तो ये जो कंपाउंड्स होंगे दे विल बी इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। आप अगर देखें CH4 का स्ट्रक्चर, इट विल बी लाइक दिस CH4 में आपको पता है कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 हाइड्रोजन्स के साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाए, तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट जो है वो कितना आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 8, सो दे कंटेन एग्जैक्टली द कंप्लीट ऑक्टेट। सच टाइप ऑफ हाइड्राइड्स विल बी कॉल्ड एज, इनको हम क्या नाम देंगे? इनको हम नाम देते हैं
इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स। ठीक, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन हम बात करते हैं नंबर थर्ड, यानी इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स किनको कहते हैं? हाइड्राइड्स विच इन विच सेंट्रल एटम, जिनके अंदर सेंट्रल एटम पोजेसेस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जिनके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल एटम के ऊपर, उनको हम इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स कहते हैं। ठीक है ना, कौन बनाएंगे? फॉर्मड बाय ग्रुप 15, 16 एंड 17। ग्रुप 15, 16 एंड 17। ग्रुप 15 में कौन आता है? नाइट्रोजन। तो अमोनिया का एग्जाम्पल अगर हम ले लें, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ग्रुप नंबर 16 में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अगर हम बात करें तो ये वाटर बनाएगा, दो लोन पेयर्स प्रेजेंट है। ग्रुप नंबर 17 में आपका फ्लोरीन है। ठीक है ना, लेट्स से फॉर एग्जांपल एचएफ की हम बात करें, दिस इज ए हाइड्राइड, फ्लोरीन के ऊपर क्या चीज प्रेजेंट है? तीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। बात समझ रहे हैं आप? ठीक है ना। नाउ अगर आप इन स्पीशीज की तरफ देखें, यू कैन सी इनके अंदर क्या चीज प्रेजेंट है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये इसका क्या कर सकते हैं? डोनेशन कर सकते हैं। अगर इन्होंने इसकी डोनेशन कर दी तो वहां पर क्या होगा? डोनेशन की वजह से दे विल एक्ट एज लिविस बेसिस। ठीक है ना, सो वी कैन से अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट दे एक्ट एज लिविस बेसिस। लिविस बेसिस का काम करते हैं कौन? इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। ठीक है ना, कौन बनाते हैं? 15 से भी बनते हैं, 16 से भी बनते हैं, 17 से भी बनते हैं। ठीक है ना, तो दे कैन एक्ट एज लिविस बेसिस बिकॉज ऑफ दियर एबिलिटी ऑफ हैविंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर्स विच दे कैन डोनेट टू सम अदर स्पीशीज विच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है ना, सो दे कैन एक्ट एज लिविस बेसिस। क्लियर? सो ये बात थी किनके बारे में? कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स के बारे में। फाइन, ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और टाइप ऑफ हाइड्राइड्स, जिनको हमने नाम दिया मेटालिक हाइड्राइड्स या नॉन स्टाइशियोमेट्रिक हाइड्राइड्स। एक और नाम है इनका इंटरस्टीशियल हाइड्राइड्स। तीन नाम है, मेटालिक, नॉन स्टाइशियोमेट्रिक, इंटरस्टीशियल हाइड्राइड्स। ठीक है ना, सबसे पहली बात, इस तरह के हाइड्राइड्स कौन बनाते हैं? फॉर्मड बाय, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर्मड बाय डी ब्लॉक एलिमेंट्स, फॉर्मड बाय डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो इस तरह के हाइड्राइड्स बनाते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट ग्रुप 17, 18 एंड 19। 17, 18 और 19 ग्रुप के जो एलिमेंट्स है डी ब्लॉक के अंदर, उनके बगैर बाकी सारे बनाते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओनली क्रोमियम इन ग्रुप 16, ओनली क्रोमियम इन ग्रुप 16 फॉर्म्स मेटालिक हाइड्राइड्स। ओनली क्रोमियम इन ग्रुप 16 फॉर्म्स मेटालिक हाइड्राइड्स। ठीक है ना, तो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स भी ये हाइड्राइड्स नहीं बनाते हैं एक्सेप्ट क्रोमियम, 17, 18 और 19। तो मैं यहां पे अगर जल्दी से बनाऊं, यू नो डी ब्लॉक के अंदर पहली सीरीज जो है इसमें आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, नाउ यू नो दिस इज पीरियड नंबर सॉरी ग्रुप नंबर 3, दिस इज सॉरी यहां पे हमने गलती कर दी, ग्रुप नंबर 17 नहीं कहेंगे, ग्रुप नंबर 7, सॉरी इसको प्लीज करेक्ट करिए, दिस इज ग्रुप नंबर 7, ग्रुप नंबर 8 एंड ग्रुप नंबर 9, 7, 8 एंड 9। सिमिलरली ग्रुप नंबर 6, 7, 8 एंड 9, यहां पे गलत किया था हमने, ग्रुप नंबर 7, ग्रुप नंबर 8 एंड ग्रुप नंबर 9। तो मैं यहां पे दिखा रहा हूं, यू हैव स्कैंडियम ग्रुप नंबर 3, टाइटेनियम ग्रुप नंबर 4, वेनेडियम ग्रुप नंबर 5, क्रोमियम ग्रुप नंबर 6, मैंगनीज ग्रुप नंबर 7, आयरन ग्रुप नंबर 8, कोबाल्ट ग्रुप नंबर 9, निकल ग्रुप नंबर 10,
कॉपर ग्रुप नंबर 11 एंड जिंक ग्रुप नंबर 12, देन यू हैव ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 इन द पी ब्लॉक, ठीक है ना। तो ये जो एलिमेंट्स है यहां पे मैंगनीज और इसके नीचे आयरन और इसके नीचे कोबाल्ट और इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स है दे डू नॉट फॉर्म मेटालिक हाइड्राइड्स, ठीक है। ये मेटालिक हाइड्राइड्स नहीं बनाते हैं, बात समझ में आ रही होगी आपको, ये मेटालिक हाइड्राइड्स नहीं बनाते हैं, फाइन। नाउ अगर क्रोमियम की बात करें तो ग्रुप नंबर 6 में सिर्फ क्रोमियम बनाता है, इसके नीचे जो भी एलिमेंट्स है वो इस तरह के हाइड्राइड्स नहीं बनाते हैं। और डी ब्लॉक के अंदर इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं हाइड्राइड गैप, हाइड्राइड गैप। सो हाइड्राइड गैप का मतलब क्या है, 7, 8 और 9 इसके बगैर और ग्रुप नंबर 6 के एलिमेंट्स क्रोमियम के बगैर बाकी जितने भी एलिमेंट्स है वो हाइड्राइड्स बनाते हैं, मेटालिक हाइड्राइड्स बनाते हैं, ये वाले हाइड्राइड्स नहीं बनाते हैं। तो ये जो गैप यहां पे आती है इसको हम हाइड्राइड गैप का नाम देते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हमने बात क्या कही, वी सेड दैट दिस इज फॉर्मड बाय डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट ग्रुप नंबर 7, 8 एंड 9 और ग्रुप नंबर 6, इनके अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो नहीं बनाते हैं, सिर्फ ग्रुप नंबर 6 में कौन बनाता है, क्रोमियम बनाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, अब जो इनके नाम पे अगर हम डिस्कशन करें, इनके और दो नाम है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरस्टिटियल हाइड्राइड्स। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स भी कहते हैं इनको, इंटरस्टिटियल हाइड्राइड्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं जरा ध्यान से हम देखेंगे यहां पे। पहले हम बात करेंगे स्टोइकियोमेट्रिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। लेट से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड में ए और बी एटम्स है, ए और बी एटम्स है, ठीक है ना। ये ए और बी एटम्स जो है ये किसी भी रेशियो में हो सकते हैं। नॉर्मली हम क्या देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं NaCl, NaCl है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। NaCl में एटम्स का रेशियो क्या है, 1:1, इट्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आई विल से, मैं यहां पे नाम लिखूंगा मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, सो 1:2 रेशियो, 1:2 रेशियो, ठीक है ना। मैं नाम दूंगा CH4, 1:4 रेशियो, ठीक है ना। आई विल से H2O, 2:1 रेशो, ठीक है ना। तो ये जो जितने भी कंपाउंड्स अभी तक हम देखते आ रहे हैं उनके अंदर एक सिंपल रेशो होता है बिटवीन द एटम्स, ठीक। इनको हम स्टोइकियोमेट्रिक सबस्टेंसेस या स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स कहते हैं। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक इनको कहेंगे, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कहेंगे हम उनको जिनके अंदर एटम्स के बीच में जो रेशो होता है वो होल नंबर रेशो नहीं होता है, ठीक है ना। वो होल नंबर रेशो नहीं होता है, उनको हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स का नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो इन हाइड्राइड्स का एक और नाम भी है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स, ठीक है ना। क्यों कहते हैं इनको नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स, क्योंकि अगर हम इन हाइड्राइड्स का फॉर्मूला चेक करें, मैंने कुछ यहां पे लिखे हैं, लैंथेनम हाइड्राइड है फॉर एग्जांपल, तो यहां पे आप देख सकते हो लैंथेनम हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या लिखा गया है, LaH 2.87, यानी द रेशियो इज 1:2.87, ठीक है ना। यहां पे देखिए इटरबियम हाइड्राइड 1:2.55, टाइटेनियम हाइड्राइड रेशियो ऑफ हाइड्रोजन कैन वेरी फ्रॉम 1.5 to 1.8, जिरकोनियम हाइड्राइड रेशियो कैन वेरी बिटवीन 1.3 to 1.75, निकल हाइड्राइड रेशियो कैन रेंज फ्रॉम 0.6 to 0.7, ठीक है ना। तो इनको हम एक और नाम भी देते हैं, वी कॉल देम एज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स। द रीजन इज दैट इनके बीच में एक सिंपल होल नंबर रेशियो एटम्स के बीच में नहीं होता है, क्लियर है बात, ठीक है ना। नंबर सेकंड थिंग, दे आर आल्सो कॉल्ड एज इंटरस्टिटियल हाइड्राइड्स, इनको हम एक और नाम भी देते हैं, दे आर कॉल्ड एज इंटरस्टिटियल हाइड्राइड्स। क्यों कहते हैं इंटरस्टिटियल हाइड्राइड्स, द रीजन इज दैट अर्लियर जो भी हाइड्राइड्स देखे गए थे इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, अर्लियर जो भी हाइड्राइड्स देखे गए थे, इट वॉज फाउंड दैट कि इनके अंदर ये हाइड्राइड जो होते हैं बेसिकली कहां पे पाए, कैसे बनते हैं। आपको पता है कि जो मेटल्स होते हैं इन मेटल्स के अंदर क्लोज पैकिंग होती है, मेटल के एटम्स दे आर क्लोजली पैक्ड लाइक दिस फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। और इस क्लोज पैकिंग के दौरान आप देख सकते हो यहां पे कुछ गैप्स रहती हैं, हियर यू कैन सी द गैप्स, ठीक है ना। ये गैप्स जो है इन गैप्स को हम नाम देते हैं इंटरस्टिटियल स्पेसेस, इनको हम नाम देते हैं इंटरस्टिटियल स्पेसेस, ठीक है ना। तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने अभी बताया लैंथेनम हाइड्राइड LaH, जो हाइड्रोजन होता है, इट अर्लियर जो हाइड्राइड्स इसके देखे गए हैं, इट वॉज फाउंड दैट वो हाइड्रोजन एटम्स कहां पे देखे जाते हैं, वो हाइड्रोजन एटम्स
इन्हीं इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर पाए जाते थे, ठीक है ना। चूंकि हाइड्रोजन इज अकोमोडेटेड इन द इंटरस्टिशियल स्पेसेस ऑफ द मेटालिक लैटिस, दे वर ऑल्सो रिगार्डेड एज इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। इनको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स का नाम भी दिया गया है। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो हमने क्या क्या कहा, हमने बताया दिस इज फॉर्म ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट फॉर ग्रुप 6, 7, 8 एंड 9, 6 में सिर्फ क्रोमियम। उसके बाद हमने कहा इनको नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड्स भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि इनके दरमियान रेशियो जो होता है वो बहुत ही मतलब वो सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं होता है। तीसरा, हमने इनको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स का नाम क्यों दिया, क्योंकि अर्लियर हाइड्राइड जितने भी देखे गए थे उनके अंदर देखा गया था कि हाइड्रोजन इज अकोमोडेटेड इन द इंटरस्टिशियल स्पेसेस, ठीक है ना। बट लेटर ऑन कुछ ऐसे हाइड्राइड्स भी देखे गए हैं जिन हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन इंटरस्टिशियल स्पेस के बजाय मेन साइट पे प्रेजेंट होता है, यानी जहां पे इस एटम को होना चाहिए था, जहां पे इस एटम को होना चाहिए था। मैं थोड़ा सा बैक जाऊंगा सो दैट, हां ये इंटरस्टिशियल स्पेसेस है, ठीक है ना। तो जहां पे किसको होना चाहिए था, इस एटम को होना चाहिए था। बहुत सारे हाइड्राइड्स ऐसे भी हैं जिनमें हाइड्रोजन इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर नहीं होता है, बल्कि इस एटम की जगह पे जहां पे इस एटम को होना चाहिए था, जहां पे हाइड्रोजन को होना चाहिए था, लाइक दिस फॉर एग्जांपल, यहां पे हाइड्रोजन को होना चाहिए था तो वहां यहां पे मेटल को होना चाहिए था। इसमें क्या देखा गया है, मेटल की जगह पे वहां पे कौन प्रेजेंट होता है, मेटल की जगह पे वहां पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, यानी हाइड्रोजन इज नॉट अकोमोडेटेड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस, रादर इट इज ऑक्यूपाइंग द मेन साइट इन द क्रिस्टल लैटिस, ठीक है ना। आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आ गया। इंटरस्टिशियल इसलिए कहते थे क्योंकि अर्लियर हाइड्राइड जो थे उनमें हाइड्रोजन देखा जाता था, इट वॉज फाउंड टू बी प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस। लेकिन कुछ ऐसे भी हाइड्राइड्स है जिनमें हाइड्रोजन इंटरस्टिशियल स्पेस में नहीं रहते हैं, बल्कि मेन साइट में रहते हैं, जहां पे एटम को होना चाहिए था वहां ही पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे वो ये कि अगर हम बात करें प्लैडियम एंड प्लैटिनम की, प्लैडियम एंड प्लैटिनम, ठीक है ना, प्लैडियम एंड प्लैटिनम कैन अकोमोडेट लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन। क्या मतलब है इसका, देखिए यहां पर फिर से फॉर एग्जाम्पल, ये प्लैडियम या प्लैटिनम की क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है ना। क्योंकि प्लैडियम का साइज बड़ा है, प्लैटिनम का साइज बड़ा है, तो जितना ये साइज इन एटम्स का बड़ा होगा उतनी गैप्स भी बढ़ जाएंगी, ठीक है ना, उतनी गैप्स भी बढ़ जाएंगी। जितनी गैप्स बढ़ेंगी, अगर हम इनको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो हाइड्रोजन, बहुत सारा अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इन स्पेसिस के अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। सो दैट मीन्स हम इस हाइड्रोजन गैस को इन क्रिस्टल्स की इंटरस्टिशियल स्पेसिस के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं, वी कैन स्टोर देम एज वेल, ठीक है ना। सो हाइड्रोजन एंड प्लैटिनम, उनके अंदर बहुत सारी स्पेसेस होंगी, बहुत सारी वाइड स्पेसेस होंगी, और हाइड्रोजन को उन स्पेसेस के अंदर हम स्टोर भी कर सकते हैं। और ये हाइड्रोजन जो है, आपको पता होगा कि हाइड्रोजन जो है वो फ्यूचर फ्यूल है हमारा, ठीक है, क्योंकि जितने भी फॉसिल फ्यूल्स है, कोल है, पेट्रोलियम है, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू एक्सटिंक्ट, ठीक है ना, ये खत्म होने जा रहा है, ठीक है। कुछ साल के बाद कोल पेट्रोलियम जो है दुनिया में अवेलेबल ही नहीं रहेगा, क्योंकि ये हम इसको बिल्कुल कंटिन्यूअसली यूज करते जा रहे हैं, इट हैज गॉट ए लिमिटेड सप्लाई, ठीक है ना। तो उसके बाद जो मेन फोकस इस वक्त भी है वो है हाइड्रोजन के ऊपर, बिकॉज हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द क्लीनेस्ट फ्यूल्स, ठीक है ना। इससे पोल्यूशन भी नहीं होती है। हाइड्रोकार्बन्स में या फॉसिल फ्यूल्स में कार्बन प्रेजेंट होता है, वो जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, साथ में उसके साथ कोल के अंदर बहुत सारी इंप्यूरिटीज सल्फर की प्रेजेंट होती है, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है, ठीक है ना, दैट कॉजेस पोल्यूशन, ठीक। पर अगर हाइड्रोजन को हमने यूज किया एज फ्यूल, हाइड्रोजन जब बर्न होगा तो वाटर बनाएगा, विच इज नॉट ए पोल्यूटेंट, ठीक है। तो हाइड्रोजन आने वाला फ्यूचर का फ्यूल है, उस फ्यूचर फ्यूल को हम स्टोर कर सकते हैं कहां पे, इन प्लैडियम और प्लैटिनम की इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, क्लियर है बात, ठीक है ना। सो दिस वाज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दीज इंटरस्टिशियल सॉलिड इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। एक और इंपॉर्टेंट चीज, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट नॉट एज एफिशिएंट एज पेरेंट मेटल्स, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। इनकी प्रॉपर्टीज, ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी हाइड्राइड्स, मगर उतने एफिशिएंट कंडक्टर्स नहीं है जितने पेरेंट मेटल्स,
है पेरेंट मेटल, यानी आपने लैंथेनम के अंदर हाइड्रोजन डाल दिया, लैंथेनम इज द पेरेंट दिस मेटल, हाइड्रोजन इसके इंटरस्टिशियल स्पेसेस में चला जाएगा तो वो हाइड्राइड बना देगा, नॉन स्टोइकोमेट्रिक सब्सटेंस बनाएगा, वो भी कंडक्टर होगा, लेकिन उससे अच्छा कंडक्टर लैंथेनम खुद होता है, पेरेंट मेटल खुद होता है, ठीक है। नंबर सेकंड, दे आर ब्रिटल एंड हार्ड, ये ब्रिटल होते हैं और हार्ड होते हैं। अगर हम इनकी डेंसिटीज की बात करें, इनकी डेंसिटीज क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, ठीक है ना, डेंसिटीज बढ़ जाएंगी। कैसे बढ़ जाएंगी, जैसे जैसे इंटरस्टिशियल स्पेसेस में एटम्स ऐड होते जाएंगे, ऑब्वियसली छोटे से वॉल्यूम में अब मास जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी रिगार्डिंग हाइड्राइड्स, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हाइड्राइड्स हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम दो चीजों के बारे में और डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज वॉटर एंड नंबर सेकेंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। टिल देन थैंक यू वेरी मच।